हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूँ एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन में। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक खतरनाक वीडियो फिर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कराऊंगा। तो आज का क्वेश्चन आरंभ होता है क्वेश्चन नंबर 86। किस राशि का मिश्रण 5 वर्षों में 3 से 1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया है 7,000 रुपये हो जाएगा, ये मिश्रण है। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू इक्वल करने के लिए मिश्रण बराबर मिश्रण करेंगे। जैसे कि देखिए, हमारा मिश्रण दिया है 7,000 रुपये और हमें इधर भी अमाउंट ही बनाना है, यानी मिश्रण ही हमें बनाना है। तो मिश्रण होता है हमारा मूल 100% प्लस जो ब्याज बैठेगा 5 वर्षों का। जैसे कि यहाँ 1 साल की ब्याज दर 3 से 1/3% है, तो 5 साल की जितनी ब्याज दर बैठेगी उसमें मूल परसेंट 100% जोड़ देते हैं, तो वह हमारा मिश्रण बन जाता है। तो देखिए, इसको सही तरीके से लिखेंगे, 3 * 9 = 10, 10/3 हमारी है 10/3। जैसे कि हम लिख सकते हैं 10/3%, ये 1 साल की है तो 5 साल की हो जाएगी। 5 की गुणा करने पर हमें 10 * 50/3 50/3% हमारी ब्याज हो जाएगी 5 साल की। और इसमें हम 100% जोड़ लेंगे, तो इसमें 100% जोड़ लेंगे तो यह हमारा मिश्रण बन जाएगा। कितना हो गया, 100 * 3 300% प्लस 50, तो कितना हो गया 350/3%। तो इस प्रकार हमारा यह मिश्रण बन गया है। तो देखिए, मिश्रण बराबर मिश्रण करेंगे तो यहां पर हम लिख लेंगे 350/3 और परसेंट की 2 जीरो हम यहां पर लगा सकते हैं या बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसे लिख लीजिए 350/3% हो गया हमारा मिश्रण बराबर मिश्रण। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए, 0 से 0 काटी, 35 * 2 = 70, 0 बची है, 20 बार काट दिया हमने इसको। अब 20 की हम यहां पर गुणा करेंगे 3 में, तो देखिए कितना हो गया 20 * 60 और परसेंट की 2 जीरो यहां पर लगा दी। तो इस प्रकार हमारी मूलधन राशि 6,000 रुपये हो जाती है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी हम इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे। देखिए, यदि 64 रुपये 2 वर्षों में 83 रुपये 20 पैसे हो जाता है, यानी कि 64 रुपये से 2 वर्षों में 83 रुपये 20 पैसे, ये मिश्रण है। तो इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है, तो हम देख सकते हैं 64 से 83 रुपये 20 पैसे कितने अधिक है। तो देखिए, 20 पैसे तो ये हो गया हमारा, घटा लगी इसमें से, इसको 13 * 4 गया 9, 7 * 6 गया 1, यानी हम कह सकते हैं 64 से 83 रुपये 20 पैसे का मतलब है 19 रुपये 20 पैसे ये अधिक है। इसका मतलब यह 2 वर्ष का ब्याज है, ब्याज तो यह 2 वर्ष का ब्याज है। तो अब हम क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल से लिखेंगे। देखिए, 64 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज, देखिए 64 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज हो गया 19 रुपये 20 पैसे। तो हमसे पूछा है उसी ब्याज की दर से 86 रुपये 4 वर्षों में कितना होगा। तो देखिए, यहां से हम मालूम करेंगे
₹86 पर 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे। देखिए ₹64 पर 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो ₹86 पर 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा ये हमें मालूम करना। सबसे पहले अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 2 × 4 और 2 से हम इसको काट लेंगे आसानी से। 2 से काटा 32 बार और 2 से 16 बार और 2 से 43 बार। अब 16 से इसे हम आसानी से काटेंगे। देखिए 16 एकम 16 हम इसको चलाएंगे 3 बज गया, मानी नहीं चल रही, 10 दशमलव हो गए 32 16 × 32। देखिए 16 से यह 1.20 बार डिवाइड हो गया। अब हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, हमारा ऐसा ही हो जाएगा, साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखिए गुणा करते हैं हम इसकी, ये 0 लगाई और 12 की गुणा करेंगे, 12 में 10 दशमलव लगा लेंगे, 12 × 36 हासिल 3, 12 × 48 51 और 2 अंक छोड़ के 10 दशमलव, तो हमारा साधारण ब्याज हो गया ₹51.60। अब हमसे पूछा है ₹86 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन पूछा है। तो साधारण ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे प्लस ₹86, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा, जोड़ लीजिए 60 × 13 6 × 7 8 × 5 13 ₹137.60 हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। बहुत ही खतरनाक और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है इक्वल टू इक्वल, देख लीजिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण ₹20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को ₹12,000 देता है। देखिए अरुण के पास ₹20,000 थे, देख लीजिए अरुण के पास ₹20,000 थे, तो इसने पहले दोस्त को इसने कितने ₹12,000 उधार दिए, 8% की दर से उधार दिए इसने। और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, उसकी कुल राशि यही तो है 20,000 का 10% कितना बैठता है लाभ, लाभ यानी कि ब्याज कह सकते हो। तो देखिए परसेंट से 2 जीरो काट दी और 200 × 10 यानी कि ₹2,000 का लाभ चाहता है। तो देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अतः उसे शेष राशि मेरे दोस्त को इस साधारण ब्याज के दर पर देनी चाहिए, जिससे कि उसका इच्छित लाभ मिल सके। तो देखिए अब दूसरे दोस्त को वह बची हुई शेष राशि 20,000 में से 12,000 पहले दोस्त को दे दी, तो 8,000 रह गई दूसरे दोस्त की राशि, 8,000 दी उसने दूसरे दोस्त को यह राशि। अब हमें देखना है कि अरुण को पहले दोस्त से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, टोटल ब्याज उसे ₹2,000 का लेना है दोनों दोस्तों से। तो परसेंट से 2 जीरो काटी 12 98 96, ₹960 ब्याज तो उसे पहले दोस्त से मिल रहा है, और ₹2,000 में से ₹960 घटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए ₹1,140। देखिए घटा लीजिए आप कितना बैठता है, ₹960, 0 × 10 = 6 × 4, 9 × 9 = 0, 1,040, सॉरी मैं गलत बोल गया था, यहां 1,040 बैठता है। तो देखिए ₹2,000 के लाभ में से ₹960 का लाभ तो उसे पहले दोस्त से मिल चुका है, और बचा हुआ जो लाभ लेना 2,000 में से 960 घटाएंगे तो ₹1,040 बैठते हैं, यह उसे दूसरे दोस्त से ब्याज के रूप में लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वल टू इक्वल करूंगा, ₹1,040 का ब्याज है
दी गई मूल धन राशि 8,000 पर किस परसेंट की दर से है वह दर हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से हमारी ब्याज दर प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी और 1 जीरो से 1 जीरो काट दी और 8 से मैंने 104 को डिवाइड किया 13 बार, 13 × 104 तो हमारी ब्याज दर हो गई 13%। तो दूसरे दोस्त से वह 13% की ब्याज दर पर धन उधार देता है तो हम ब्याज दर हो गई 13%। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 13%। क्वेश्चन नंबर 80। एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए सावधि जमा खाते में जमा करता है। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझना ध्यान से। लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है। देखिए 3 वर्ष बाद, बीच में 3 वर्ष बाद निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। देखिए जैसे बीच में 3 वर्ष बाद धनराशि निकाल लेता है तो बैंक उसे कम ब्याज दर प्रदान करता है, ये कहा। अब यहां से क्वेश्चन उठ रहा है, देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपए कम ब्याज प्राप्त करता है, तो देखिए जो उसे 10% की दर से 12,000 रुपए पर 5 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होना था वो उससे कम, उसे 3,320 रुपए कम ब्याज प्राप्त हो रहा है। कब हो रहा है? यदि वह 3 वर्ष बाद अपनी पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जब होता है। देखिए यदि वह 3 वर्ष बाद अपनी पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है तब उसे 3,320 रुपए कम ब्याज प्राप्त होता है, बस ये ध्यान रखना। तो अब हमें क्या करना है, 10% की दर से 5 वर्षों तक का ब्याज देखते हैं कितना प्राप्त होगा 12,000 रुपए पर, और उसमें से ये घटा लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसे 3 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है, ये निकल जाएगा इससे। तो देखिए बहुत स्टैंडर्ड है, तो 1 साल की 10%, 5 साल की 50% हो गया, तो 12,000 का 50% 6,000 रुपए ब्याज बैठता है। लगा लीजिए साहब, 12,000 का 50%, 12,000 का 50%, परसेंट से 2 जीरो, 12 × 60 और 1 × 2 जीरो, ये 6,000 रुपए ब्याज बैठता है। अब इस 6,000 में से मैं ये घटा दूंगा 3,320 रुपए, क्योंकि उनने कहा 3,320 रुपए कम ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 3 वर्ष बाद उसे इसमें 3,320 रुपए 6,000 में से घटाऊंगा तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा 3 वर्ष का। तो देखिए घटाइए 0, 10 में से 2 घटाया 8, 9 में से 3 घटाया 6, 5 में से 3 घटाया 2, 2,680। अब ये 2,680 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। अब यहां से हम इक्वल टू इक्वल करेंगे, देखिए ब्याज किस धन पर, देखिए 12,000 रुपए पर 3 वर्ष का, और पूछ रहा है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर क्या थी। तो देखिए यहां से हो गया इक्वल टू इक्वल, 12,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काट दी, अब इस 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिए, अब देखिए इसको बहुत आसानी से हल करेंगे। चार से काटते हैं, 4 × 3 = 12, देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, ठीक है, 4 × 6 = 24, 2 बज गया, हो गया 4 × 7 = 28, कट गए, तो 3 × 9 बटे आ जाएगी, तो दर बराबर 67/9। अब हम इसको हल कर लेंगे, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63,
चार शेष बच गया बटे नौ, यानी नौ सत्य तिरसठ, सात से ही चार बटे नौ परसेंट ब्याज दर होगी। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सात से ही चार बटे नौ परसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई, यानी कि ये हमारा मिश धन हो गया, 7 अगस्त 2012 को मिस धन के रूप में प्राप्त हुई। तो उसे कितनी राशि बैंक में निवेश की थी, तो हमें मूल धन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखेंगे 1 जनवरी 2012 से 7 अगस्त 2012 तक का कितना ब्याज बैठता है ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं और टाइम निकालेंगे कितना समय है। ठीक है, हम यहां से समय निकाल लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई और अगस्त। तो देखिए अब हम यहां पर देखते हैं 1 जनवरी 2012 से 7 अगस्त 2012 तक का कितना समय बैठता है, कितने दिन बैठते हैं। देखिए 1 जनवरी 2012 से जनवरी का महीना होता है 31 दिनों का, तो 1 जनवरी जिस दिन धनराशि जमा होती है उस दिन का कोई ब्याज नहीं लगता है, इसलिए 1 जनवरी को हटा देंगे, बाकी जनवरी के रहेंगे 30 दिन और फरवरी के इसमें लगेंगे 29 दिन। क्यों? क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 29 दिनों की फरवरी होती है, ये फरवरी और मार्च, मार्च के हो गए हमारे 31 दिन और अप्रैल के 30 दिन और मई के हो गए हमारे 31, जून के हो गए 30, जुलाई के हो गए 31 और 7 अगस्त जिस दिन तक होगा उस दिन तक लगता है, 7 महीने होंगे। तो इस प्रकार हमारे टोटल दिन होंगे, अब हम इनको जोड़ लेंगे कितने होंगे, 7 रे 8 1 9 9 18 रे 19 का 9 का हासिले 3 रे 4 3 7 3 10 3 13 3 16 16 3 19 और 2 21, 219 दिन हो गए। अब इसके हमें वर्ष बनाने हैं तो 366 से हम इसे भाग कर देंगे, 366 से इसलिए क्योंकि यह लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं एक वर्ष में और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये हमारा टाइम आ गया, टाइम देख लीजिए 219/366 वर्ष हो गया। अब हमें देखिए ब्याज निकालना है, सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज, एसआई बराबर इक्वल टू इक्वल पीआरटी, मूलधन पूछा है, मूलधन गुणा दर कितनी है 8% गुणा समय हो गया हमारा 219/366 और हम इसको जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मिस धन में से मूलधन घटा देते हैं, मिस धन हमारा कितना है 3140 माइनस मूलधन पी और बराबर हल कर लेंगे पी गुणा 8% गुणा 219/366। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, यहां से हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा, जब हम इसे काट रहे होंगे या हल कर रहे होंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। यह पूर्ण संख्या में नहीं कटेगा, यह दशमलव में कटेगा, तो इसका उत्तर दशमलव में आएगा, बट राइटर ने इसको पूर्ण अंकों तक का इसका आंसर दिया है, दशमलव छोड़ देने के बाद पूर्ण संख्याओं में इसके मूल धन राशि आ जाएगी 3000 रुपए। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3000 रुपए पूर्ण अंकों में, लेकिन इसको हल रियल में पूर्ण रूप से हल करेंगे तो दशमलव में आएगा, 3000 दशमलव कुछ कुछ आएगा इसका, लेकिन हमें पूर्ण अंकों में इसका आंसर देना है तो केवल 3000
राइटर ने पूर्ण अंकों में लिखा है तो इसका आंसर आएगा 3000 रुपए। तो वह मूलधन राशि 3000 रुपए होगी। क्वेश्चन नंबर 91, तुषार अपने 13 जनवरी, तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष पर 12000 रुपए की राशि उधार ली और ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई? इस क्वेश्चन में उसने मिसधन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में समय निकालेंगे, उसके बाद हम ब्याज निकालेंगे और मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिसधन आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम समय ज्ञात करते हैं। तो दिया गया समय यहां से 13 जनवरी 1987 को बोला है और कब तक लिया है उसने धन? 8 जून 1987 तक। तो इस दौरान का आपने समय निकालना, तो समय है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो देखिए दिया गया वर्ष है 1987, साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 जनवरी, जनवरी में 31 दिनों का महीना होता है, तो 13 जनवरी का समय निकाल लेंगे, यानी 13 दिन हटा देंगे, 31 में से 13 घटा देंगे, 18 दिन जनवरी में रहेंगे और फरवरी 28, मार्च 31 और अप्रैल हो गया 30, मई 31 और 8 जून तक 8 दिन ये रहेंगे इसमें। तो इस प्रकार हम यहां तक का समय ज्ञात कर लेंगे तो हमारा टोटल टाइम है, जोड़ लेंगे कितने दिन होंगे, 8, 1, 9, 10, 10 और 8, 18, 12, 6, 26, हासिल 2, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 3, 13, 14, 146 दिन हो गए। अब इसके वर्ष बनाने के लिए 365 से भाग करेंगे, इस प्रकार हमारा समय आ गया। ये अब हम देखिए बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे, साधारण ब्याज ऐसा ही ज्ञात कर लेंगे। देखिए मूलधन हमारा 12000 रुपए है और एक साल की ब्याज दर 15% है और समय 146/365। अब इसको हल कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काट दी, 5 किए 15, 5 7 35, 5 1 बच गया, हो गए 15, 5 किए 15, 73 × 2 = 140 होता है, 73 × 2 = 140, इनकी गुना करेंगे 3 × 2 = 6 और 12 × 6 = 72 और यह 0, 720 रुपए का ब्याज हो गया। अब हमसे अमाउंट पूछा है उसने मिसधन, तो 12000 + 720 का हमारा आंसर हो गया 12720 रुपये। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 12720, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूलधन के रूप में एक्स रुपए की राशि कहा है इसमें, यहां देखिए एक्स रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई, यदि यह 3% अधिक दर पर रख दी जाती तो वह 300 रुपए अधिक हो जाती। तो 4x का मूल्य ज्ञात करो, देखिए वही इक्वल टू इक्वल, अधिक बराबर अधिक करेंगे, यहाँ 300 रुपए अधिक हो रही है, कब हो रही है अधिक, यहाँ देखिए जब एक साल में 3% ब्याज दर अधिक कर दी जा, तो यह 2 वर्ष का समय दिया गया है क्वेश्चन में, एक साल की 3% अधिक हो रही है तो 2 साल की ब्याज दर हो जाएगी 3×6% अधिक, तो 6% अधिक हो जाने के कारण यहाँ 300 रुपए अधिक हो रहा है, तो अधिक से अधिक काट देंगे, हमारी मूलधन राशि यानी ये एक्स का मान आ जाएगा, एक्स की राशि आ जाएगी। तो देखिए 6×5=30, 50 बार काटा, परसेंट की 2 जीरो
तो 5,000 रुपये एक्स की राशि है, तो यानी कि हमारे जो राशि है मूलधन के रूप में 5,000 रुपये है, यानी ये एक्स की राशि है। अब पूछा है उसने 4x का मान ज्ञात करें, 4x का, तो देखिए 4x की राशि यहां भरेंगे 5,000, तो 4×20,000 रुपये, तो हमारी जो मूलधन राशि है 20,000 रुपये की राशि हो गई है, 4x का मान आ गया 20,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 93, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का ब्याज इस राशि का 3/4 है, ब्याज की दर बताओ। जैसे कि पहले बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने इस तरह के कि राशि का ब्याज 3/4 है, भिन्न रूप में आ रहा है तो भिन्नों को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 3/4 हम 75% कह सकते हैं, देखिए 75%, 3/4 को हम 75% कह सकते हैं। कैसे? 3/4% निकालने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटा, 100 को 25 दिए 75, देखिए 25 दिए 75% ऐसे बना लेते हैं, देखिए हो गया। अब यह कितने समय में हुआ है, ये 12.5 वर्ष में, 12.5 को हम 12×24 25/2 कह सकते हैं, तो ब्याज की दर हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए 25×75 और 2×3 6% ब्याज दर है, तो ब्याज की दर 6% है, दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 6%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है, देखिए एक साल की 12% ब्याज दर है, कुछ धनराशि उधार लेता है, 6 वर्ष 8 माह के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये भुगतान किया, मूल धनराशि बताओ। देखिए ब्याज बराबर ब्याज, 720 रुपये का ब्याज है, तो इधर भी ब्याज निकालेंगे, देखिए मूलधन गुणा दर हमारी 12% है और समय यहां 8 वर्ष 6 माह का हो गया, देखिए 6 वर्ष 8 माह, 8 माह के हम वर्ष बना लेंगे, 12 से भागे से 4×8 4×12 3×6 18 20, 20/3 वर्ष हो गया, ये हमारा समय बन गया 20/3 वर्ष। अब इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे, 3×12 20×80, 80 से 9 बार कटेगा, 8×9 72 कट गया, और परसेंट की 2 जीरो यहां पर लगा दी, तो इस प्रकार हमारी मूलधन राशि हो गई 900 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 900 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा है, किसी विशेष राशि पर कोई मूलधन राशि है उस पर 2 से 1/4 वर्ष के अंत तक 2×2/3% वार्षिक दर से छूट 78 रुपये है, देखिए तो किसी धन पर कोई धन है उस पर 4×8 9/4 समय के लिए 3×6 8/3% की दर से छूट 78 रुपये है, तो इसे हल कर लेंगे हम, 3×9 4×8 और 3×6 6×18 13% की 2 जीरो, तो मूलधन राशि 1300 रुपये है। अब उसने पूछा है तो धनराशि होगी कितनी, तो टोटल धनराशि कितनी थी, टोटल सम 1300 प्लस छूट दी थी 78 रुपये की, ये भी जोड़ लेंगे, तो 1378 रुपये की टोटल धनराशि थी, तो ये हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1378 रुपया।